एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका एचपी टेट का एग्जाम हो गया है तो हम इसकी बायोलॉजी की आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 61 इज़ द नॉन असेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसका जो एक्सैक्ट आंसर होना था वो होना था सेपल्स एंड पेटल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जियोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन, इसका आंसर होगा ग्राउंड नट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होना था गार्ड सेल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम, इसका करेक्ट आंसर होना था पोटैटो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स अकर्स थ्रू, करेक्ट आंसर इज द सीव एलिमेंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 66 इज द आइडिया दैट प्लांट्स नीड्स असेंशियल मिनरल्स वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय, इसका करेक्ट आंसर होना था आर्नॉन एंड स्टाउट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेम 12 फ्रॉम, करेक्ट आंसर इज द प्लूमुल। Then next question is the question number 68, innermost layer of cells which shows Caspian strips are, answer is the endodermis layer. Then question number 69 is the end product of Calvin cycle is the, iska correct answer glucose. Then next question is the law of limiting factor was given by Blackman. Then question number 71 is the Crenge anatomy, Crenge type of anatomy is a feature of C4 plants. Correct answer is the C4 plants. Then next question is the in angiosperms pollen released at 2-cell stage. Correct answer is the 2-cell stage. Then next question is the which fruit is produced by parthenocarpy. Iska jo correct answer hoga wo hoga banana. Then next question is the question number 74 is the final electron acceptor in electron transport chain is, correct answer is the oxygen. Then question number 75 is the male reproductive parts of flower, the stamens are collectively called, correct answer is the androecium. Then next question number 76 is the basic unit of classification and taxonomic rank is, option is correct answer is the species. Then next question is the least post porous soil is, correct answer is the clay soil. Then question number 78 is the lichens are good bio indicator for air pollution. Air pollution इसके ऑप्शन में था लेकिन उसके साथ एक वाटर पॉल्यूशन भी इंक्लूडेड था तो वो इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। लाइकेंस आर गुड बाय इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूशन। अगर अकेला उसमें एयर पॉल्यूशन लिखा होता तो आप एयर पॉल्यूशन पर क्लिक करते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 79, ब्लू ग्रीन एल्गा बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट्स। देन क्वेश्चन नंबर 80 इज द स्टेटमेंट फॉल्स अबाउट फंजाई। इसकी जो फॉल्स स्टेटमेंट होगी वो होगा दे पोजेस अ प्योरली सेल्युलोजिक सेल वॉल। इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेल्युलोज की नहीं बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है। अगर ऑप्शन में काइटिन होता तो आप काइटिन को ठीक करते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसमें मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से उसमें ग्रोथ होती है प्लांट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैसियस प्लांट हॉर्मोन इज द इथाइलिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 83, प्रोटोनिमा स्टेज इज फाउंड इन, ये मॉसिस में प्रेजेंट होती है। देन क्वेश्चन नंबर 84 इज द एग्जाम्पल ऑफ मेराइन एंजियोस्पर्म इज जोस्ट्रा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 85, सोर्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन अ सेल इज अ फैट। सेल को जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं वो फैट होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गन वियरटाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स, इट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोफ्थेलमिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाइटामिन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन हैव लोब्स इन लेफ्ट लंग, करेक्ट आंसर इज द 2 लोब्स और 3 लोब्स राइट किडनी में होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज द नॉर्मल डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल एडल्ट हेल्दी मैन इज लेस देन 80 मिलीमीटर पर ग्राम पर मर्क्यूरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 90 इज द प्रोड्यूसिस यूरिया एज
डैश प्रोड्यूसेस यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी? द करेक्ट आंसर इज द लीवर. ये बॉटनी के क्वेश्चंस थे और जियोलॉजी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.